क्वेश्चन है, कैंडिडेट कनेक्ट्स अ मूविंग कॉइल एम मीटर ए एंड मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर एंड रेजिस्टेंस आर एज शोन। इफ द वोल्ट मीटर रीड 20 वोल्ट, ये लो ये 20 वोल्ट है, एंड एम मीटर 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? आंसर ग्रेटर देन 5 होगा। अच्छा ये बताओ, यहां पे जो भी करंट होगा आई डैश, लेकिन एक बात पक्की है, ये 20 वोल्ट है तो ये भी 20 वोल्ट है। ओम लॉ के अकॉर्डिंगली आर इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई आई डैश हो जाएगा, मानते हो? मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर ये पूरे का पूरा 4 एम्पियर इसमें चला जाए, 4 एम्पियर, तो आर क्या आएगा? 5। और तुम्हें पता है ये 4 एम्पियर नहीं जाने वाला क्योंकि डिवाइड होने वाला है, तो ये वैल्यू 4 एम्पियर से कम आएगी। मान लो मन में 2 एम्पियर, तो 20 बाई 2 10, मान लो 3 एम्पियर तो भी 5 से ज़्यादा, तो आंसर ग्रेटर देन 5 ओम है। 5 मत पुट कर देना, ग्रेटर देन 5 है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? ठीक है, करंट जितना कम होता जाएगा, डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, आर की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, तो ग्रेटर देन 5 है। नेक्स्ट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एक और जो ऐसा आया हुआ है, ये लो, ये क्वेश्चन है 11th, मिलता जुलता है, बाकी सब हमने क्वेश्चन किए हुए हैं ऑलमोस्ट इस शीट के। कितने लोगों को समझ में आ गया कि आंसर इस बार लेस देन 5 है? रट्टा नहीं मार सकते, ग्रेटर देन 5 ही आएगा, लेस देन 5 ही आ जाता होता है। आ गया, क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन में गिवन है कि वोल्ट मीटर एम मीटर है, रेजिस्टेंस आर है, अगर वोल्ट मीटर 10 वोल्ट गिवन है एंड एम मीटर 2 एम्पियर गिवन है, 2 एम्पियर गिवन है, अगर ये 2 एम्पियर है तो इसके अंदर भी 2 एम्पियर है, पक्की बात है, और अगर ये 10 वोल्ट है तो इसका मिला के ये 10 वोल्ट है, सही है? तो मुझे बताओ कि इसके अंदर R की वैल्यू क्या होगी? R की वैल्यू होगी V डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर, क्योंकि 2 एम्पियर करंट तो पक्की बात है इसमें। अगर ये V 10 वोल्ट का 10 वोल्ट इसे मिल जाता तो 10 बाय 2 5, आंसर तब 5 आता, पर तुम्हें पता है 10 मिलेगा नहीं क्योंकि कुछ वोल्ट तो ये भी ले जाएगा, तो आपका V क्या आएगा? लेस देन 10, इसको 10 नहीं मिलेगा, इसमें रेजिस्टेंस R को 10 से कम मिलेगा, चाहे 9 मिले, चाहे 8 मिले, चाहे 7 मिले, चाहे 6 मिले, चाहे 5 मिले, कुछ भी मिले, आप कोई भी अपने मन से वैल्यू पुट करके देखो। मान लो V की वैल्यू 5 है, 5 है तो R क्या आएगा? 2.5। अगर V की वैल्यू 9 है 4.5, तो आंसर लेस देन 5, सही है? तो ऐसा क्वेश्चन भी आता होता है पेपर में।